सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे चार्जिंग ऑफ बॉडी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देखा था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चार्जिंग ऑफ बॉडी। चार्जिंग ऑफ बॉडी का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे करें, यानी जैसे कि हमारे पास एक ही बॉडी है तो इस बॉडी पे हम चार्ज कैसे डेवलप करें, मतलब इस बॉडी पे चार्ज कैसे उत्पन्न करें। तो कुछ मेथड हैं जिनके माध्यम से हम चार्ज डेवलप कर सकते हैं किसी बॉडी पे। जो पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि दो बॉडीज को आपस में रगड़ करके उनके मध्य फ्रिक्शन को क्रिएट करके हम उन बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक बलून है, अगर इसको हम लोग रब करें, ये चार्ज हम कर रहे हैं बाय फ्रिक्शन। अभी देखिए, अट्रैक्ट हुआ, दोनों के मध्य एक फोर्स क्रिएट हुआ और ये टिक गया। तो इसको हमने क्या किया, इसको फ्रिक्शन दिया। फ्रिक्शन से क्या हुआ, इस पर कुछ चार्ज डेवलप हो गया। जैसे हम बचपन में करते हैं कि किसी पेंसिल को या कंघी को ऐसे रगड़ करके हम छोटे छोटे पार्टिकल्स को ऐसे अट्रैक्ट करवाते हैं। सो एक मेथड तो ये है कि चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन के मदद से भी हम किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या है, हमने देखा है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि अगर हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है, ये पहला कंटेनर और ये दूसरा कंटेनर। पहले कंटेनर में वाटर का लेवल कुछ इतना है और दूसरे कंटेनर में वाटर का लेवल कुछ ऐसे है। इसका मतलब कि कंटेनर ये ए में वाटर का जो लेवल है ज़्यादा है और कंटेनर बी में वाटर का लेवल कम है। और अगर क्या हो कि अगर इन दोनों को हम कनेक्ट कर दें, तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो जिस कंटेनर में वाटर का लेवल ज़्यादा होगा तो वाटर का फ्लो किधर होगा, ज़्यादा लेवल से कम लेवल कंटेनर की ओर। और ये फ्लो कब तक रहेगा, जब तक कि इस दोनों कंटेनर में वाटर का लेवल इक्वल ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी, अगर ए बॉडी पे चार्ज Q1 है और बी बॉडी पे चार्ज Q2, ठीक, और मान लीजिए कि बी बॉडी न्यूट्रल है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, और ये बॉडी पे कुछ चार्ज है Q1, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि Q1 चार्ज ज़्यादा होगा Q2 से। अगर ऐसा केस होता है और इन दोनों को अगर कनेक्ट किया जाए, तो अब हम जानते हैं कि क्या A बॉडी पे चार्ज ज़्यादा है, B बॉडी पे चार्ज कम है। तो ऐसे में ज़्यादा चार्ज बॉडी से कम चार्ज बॉडी की ओर चार्ज का फ्लो होता है, और ये फ्लो कब तक होगा, जब तक कि Q1 इज इक्वल टू Q2 न हो जाए। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी पे चार्ज ज़्यादा है, एक बॉडी पे चार्ज कम है, दोनों को कनेक्ट कर दें तो ज़्यादा चार्ज बॉडी से कम चार्ज बॉडी की ओर चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, जब तक कि दोनों बॉडीज पे चार्ज इक्वल न हो जाए। और इस मेथड को बोला जाता है चार्जिंग बाई कंडक्शन। मतलब अगर इस पे चार्ज, मान लीजिए कि इस पे चार्ज कुछ नहीं था, इस पे चार्ज Q1 था, Q2 का मान 0 है, तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करें तो Q1 से चार्ज का फ्लो Q2 की ओर होना स्टार्ट हो जाएगा और इस पे कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ऐसा कब तक होगा, जब तक कि Q1 इज इक्वल टू Q2 ना हो जाए। सो ये मेथड क्या कहलाता है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक, बट एक चीज यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि ये दोनों बॉडीज ए एंड बी, बी शुड बी आइडेंटिकल। एक ऐसी बॉडीज होनी चाहिए, शुड बी आइडेंटिकल, दोनों बॉडीज आइडेंटिकल बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, अब जो तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन से हम कैसे किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और ये जो थर्ड मेथड है, इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है
चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए होता ये है कि इसका मेथड क्या है, अगर हमारे पास एक बॉडी है, इसको सपोज करिए बी है, ठीक है, एक बॉडी इधर है, इसको मान लेते हैं ए बॉडी। अब अगर ए बॉडी को बंद कर रहे लाइट मरवा दें, ठीक है, तो जो तीसरा मेथड है चार्ज करने का, किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप करने का, वो क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप करना या चार्ज उत्पन्न करना किसी दूसरी बॉडी के मदद से, बट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। अगर हमारे पास एक बॉडी है, दूसरी बॉडी ये है, इन दोनों को अगर पास लाया जाए, कनेक्ट ना किया जाए, बिना कनेक्शन का क्या इस बॉडी पे, इस बॉडी की मदद से चार्ज डेवलप किया जा सकता है? अगर ऐसा पॉसिबल है तो उस मेथड को बोला जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम क्या करते हैं कि एक बॉडी पे चार्ज डेवलप किया जाता है दूसरी बॉडी के मदद से, विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट, हम पास में लाते हैं बट कनेक्ट नहीं करते हैं। अब प्रोसेस कैसे है, देखिए होता ये है कि हमारे पास एक बॉडी ये है जिस पे मान लीजिए कि प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है? इस बॉडी पे प्लस चार्ज है, बिल्कुल। अब इस बॉडी को हम इस बॉडी के पास में लेकर आते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि प्लस चार्ज जो है वो माइनस चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इट मीन्स प्लस चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू माइनस चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज है, इसके आउटर सरफेस पे जो प्लस चार्ज डेवलप है, इसको हम इस बी बॉडी के पास में अगर लाते हैं, तो इस बी बॉडी में जितने भी माइनस चार्ज होंगे वो इसके इस हिस्से में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बॉडी को जैसे हम लेकर जाएंगे तो प्लस चार्ज हमेशा माइनस चार्ज को खींचता है, तो ये माइनस चार्ज को खींचेगा, तो माइनस चार्ज इस हिस्से पे डेवलप हो जाएगा। प्लस चार्ज ऑलवेज रिपल टू प्लस चार्ज, वी नो दैट द लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल टू ईच अदर। तो इसमें क्या होगा कि प्लस चार्ज अगर इसको हम पास में लेकर आते हैं तो इस बॉडी में जितने प्लस चार्ज होंगे वो इस हिस्से में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज इस बॉडी के प्लस चार्ज को दूर भगाएगा जबकि माइनस चार्ज को खींचेगा, ठीक है सर। इसके बाद क्या होगा, हम इस बॉडी को एक हिस्से से अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग। अर्थ से कनेक्ट करने पर होगा क्या कि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज को यहाँ से खींचना स्टार्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, और इसको न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करने के बाद यहाँ ये माइनस चार्ज और ये न्यूट्रल हो गया, मतलब इस बॉडी पे क्या हो गया, और इसके बाद जैसे ही न्यूट्रल करेंगे इस बॉडी को हम इधर पीछे खींच लेंगे, तो इस बॉडी पे क्या हो गया, माइनस चार्ज डेवलप हो गया। सो इस मेथड को बोला जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है।